नमस्कार, नारायण गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद नई बनी माँ ने क्या नहीं करना चाहिए। बट शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो या कुछ क्वेरीज हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिलीवरी के बाद नई बनी माँ का शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हमें हमेशा नई बनी माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इन दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने भूल कर भी क्या क्या नहीं करना चाहिए। डिलीवरी के बाद सूर्य पूजन तक, यानी कि जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड गिर के आप फर्स्ट पूजा नहीं करते हो, तब तक आपको बाल नहीं धोना चाहिए। खुली हवा में या डायरेक्ट धूप में नहीं जाना चाहिए। रूम के अंदर भी एसी या कूलर या फैन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी समर में है तो आप हल्का सा फ़ैन लगा सकते हैं, बट डायरेक्ट फ़ैन के नीचे आप या आपका बेबी नहीं सोना चाहिए। आप दोनों को भी डायरेक्ट फ़ैन के नीचे नहीं सोना है। स्टिचेस के हील होने तक पैरों को क्रॉस करके या फिर फैला कर नहीं बैठना चाहिए। मसाले वाला ऑयली हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स तक, या जब तक आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तब तक ऐसा अवॉइड करें। बाद में आप 6 मंथ्स के बाद धीरे धीरे ये खाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट 6 मंथ्स तक तो टोटली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अभी वो बन रहा है, वो थोड़ा वीक होता है, तो इसीलिए 6 मंथ्स आपको बहुत ध्यान देना होगा। ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट 45 डेज तक, और पीने का भी पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, उसे बॉयल करिए। डिलीवरी के बाद मिनिमम 3 मंथ्स तक सेक्स नहीं करना है, क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो वीक हो चुका है, उसे हील होने में टाइम लगता है, तो मिनिमम 3 मंथ्स तक सेक्स अवॉइड करें। मेरे हस्बैंड को मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ और अब चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं, हमें साथ में टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब भी चीज़ें सोच सोच कर अपना मूड ख़राब ना करें। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये सभी के साथ होता है, हर माँ के साथ होता है, तो इस चीज़ का स्ट्रेस ना ले। और स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो इसका असर आपके बेबी के ऊपर भी जाता है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेस से आप दूर रहें, ठीक है। मिनिमम 45 डेज तक टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ों से जितना दूर रह सके उतना दूर रहिए। हाँ, आप मोबाइल लगा कर सुन सकते हैं कम आवाज़ में, लेकिन आपको देखना नहीं है। सीरियल देख लिया या कोई मूवी देख ली, ऐसा नहीं देखना है, क्योंकि आंखें आपकी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो प्लीज़ उसे देखना अवॉइड करिए। कभी भी अपने हाथ ऊपर करके नहीं सोना चाहिए, स्पेशली इस तरीके से, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट में अभी दूध बन रहा है, तो वो दूध, अगर आपकी ब्रेस्ट फुल ऑफ मिल्क है तो उसके वजह से आपके अंडर आर्म्स में गांठ होने की चांसेस है, तो आपको वैसा नहीं सोना चाहिए। ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। वॉशरूम यानी कि पॉटी या सुसु जाते वक्त ज़्यादा प्रेशर ना दे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो स्टिचेस में प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप आप इन सभी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और ये वॉलंटरीली दिमाग में रखोगे कि आपको ये सब नहीं करना है। तो अपना और अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हैव हेल्दी एंड हैप्पी मदरहुड अहेड। एन्जॉय योर मदरहुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।